हे गाइस, कैसे आप सब लोग। हमारे 3 दिन इतने बिजी थे ना पिछले वाले। हमने कल वीडियो डाली थी, आपसे मिलना था कल, बहुत सारे अपडेट्स देने थे। मतलब क्या क्या नहीं हो गया इन 3 दिनों में। एक तो हमारे घर के चारों तरफ सिक्योरिटी कैमराज लग गए हैं, जो बहुत टाइम से पेंडिंग था। जिस दिन से घर लिया था उस दिन से पेंडिंग था ये काम फाइनली पूरा हो गया है, तो अब सर्विलेंस शुरू हो गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पासपोर्ट्स आ गए हैं। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता चल गया होगा, मैंने स्टोरी डाल दी थी इंस्टाग्राम पे पासपोर्ट्स की, लेकिन इस वीडियो में आप देख लोगे जब हमें पासपोर्ट पिक करने के लिए गए थे, ठीक है। तीसरा, मेरे को भी याद था वैसे, लेकिन आप सबको याद था कि मैंने अभी तक नेल्स नहीं कराया अपनी यूरोप ट्रिप के लिए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैंने सोचा था कि मैं नेल्स कम कराया करूंगी, जितना फ्रीक्वेंटली मैं पहले कराती थी उतना फ्रीक्वेंटली नहीं कराऊंगी, बिकॉज आप में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियो शेयर करी थी कि जो ये अल्ट्रा वॉलेट रेस से हम नेल्स ड्राई करते हैं ना, जो नेल पेंट होती है शलाक वगैरह, इट्स नॉट वेरी सेफ। तो एक प्रिकॉशनरी मेजर बता देती हूँ, मैं जब भी नेल्स कराती हूँ ना अपने हाथों पे अच्छे से सनस्क्रीन लगाकर कराती हूँ। तो अगर आप भी कराते हो तो मेक श्योर आप हमेशा अपने हाथों पर अच्छे से सनस्क्रीन लगाओ। तो मैंने वैसे पिछली बार नहीं कराए थे, मगर अब क्योंकि ट्रिप पर जाना है तो मैं कुछ स्पेशल व्लॉग्स बनाना चाहती हूँ, अच्छी लगना चाहती हूँ, तो मैंने इस बार नेल्स करा ली है। और ये कलर है, पता नहीं वीडियो में मेरे ख्याल से येलो येलो लग रहा होगा, बट एक्चुअली ये ग्रीन और येलो का मिक्स नियॉन शेड है। तो ये काम हो गया। और इसके अलावा अमित जी की शॉपिंग हो गई। अमित की शॉपिंग से ज्यादा चिंता ना आप सबको थी अमित की शॉपिंग की, कि यार ये ट्रू है क्या कि शिल्पा अमित को शॉपिंग करने ही नहीं देती है। ये वाली वीडियो ना एक्चुअली में चिटचैट विद अमित होने वाली है पूरी, क्योंकि पूरी वीडियो में अमित की शॉपिंग चल रही है और आप अमित की शॉपिंग देखोगे, अमित ने कौन से शूज लिए, अमित ने कौन सी पैंट ली, अमित ने कौन सी शर्ट ली, यही देखने वाले हो आप लोग। मैंने भी शॉपिंग करी है, लेकिन वो हम कल की वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। कल मैं अपनी पूरी शॉपिंग का एक हॉल दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या 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 लिया है। मैंने कपड़ों में क्या लिया है, बैग लिया है, शूज लिए हैं, कुछ एक्सेसरीज लिए हैं, वो सारा यस कल हम लोग वीडियो डालने वाले हैं। क्योंकि मैंने कल नहीं डाली थी वीडियो, इसलिए मैं कल वीडियो डालने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं जब एक दिन छोड़कर एक दिन आने वाला है तो हमारी फ्लाइट होगी, तो फिर से 2 दिन का गैप हो जाएगा। अब मैं इतना ज़्यादा आपको ढील नहीं देना चाहती कि आपको आदत ही पड़ जाए मेरे बिना दो दिन रहने की। तो कल वीडियो आने वाला है, और कल की वीडियो में क्या क्या मैं यूरोप में सामान लेकर जाने वाली हूँ, क्या शॉपिंग करी है, जब पैकिंग हो रही होगी वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, तो प्लीज़ आना, ओके। और इसके अलावा और हमने क्या किया वीडियो में देख लो। और इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, एक मिनट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, बिकॉज बहुत सारे यूरोप वीडियोस आने वाले हैं। और अगर मैं वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्योंकि जब आप लाइक करते हो ना वीडियोस को तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियोस बनाने का। अब वीडियो एंजॉय करो। मुझे रोना ही आ गया यार। 2 हफ्ते के बाद आज शिल्पा को याद आया गोलगप्पे खिलाना। याद होगा आपको 2 हफ्ते पहले हम लेकर आए थे, रोज कहता हूँ इसका, रोज कोई बहाना, रोज नहीं खिलाती, आज फाइनली गोलगप्पे बन रहे हैं। गोलगप्पे वाला पानी है, कोल्ड ड्रिंक वाला पानी है, पी के देखो। कोल्ड ड्रिंक वाला पानी है, मतलब ये गोलगप्पे वाला कार्बोनेटेड कैसे होता है? चलो मैं तो अपने खाऊं, जो भी है, अब खाने हैं तो खाने हैं, ठीक है ना एमी? बोलो खाने हैं तो खाने हैं। ये देखो, ये हमारे कैमराज आ गए एमी, ये DVR है। वो लास्ट टाइम आपको बताया था ना सिक्योरिटी कैमरा लगाने के लिए वी कॉल्ड समबडी, तो वो लास्ट टाइम आया था, वायरिंग कर गया था, एंड टुडे ही इज बैक अगेन टू इंस्टॉल द कैमरास। देखें कहां पे कैमरा इंस्टॉल हो रहा है। अभी नहीं, पहले आई हैव टू गो बैक होम इन द बस। अभी एमी और मैं ना बस ड्राइवर वाली गेम खेल रहे हैं, लाइक मैं बस ड्राइवर हूँ और वो अपने स्कूल में है, वो हमने 2 चेयर्स ऐसे रखी है, वो पीछे बैठी हुई है। तो मैं पहले एमी को घर छोड़ कर आता हूँ, उसके बाद फिर वो देखने जाएंगे कि वो कैमरा कहाँ पर इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये देखो, ये हमारी बस है, पीछे एमी बैठेगी और यहाँ पे मैं बैठूंगा, मैं बस ड्राइवर हूँ। ओके कम ऑन किड, बकल अप योर सीट, हरी अप, बकल, ओके लेट्स गो। हे किड, व्हाट आर यू डूइंग, सिट डाउन, बकल अप योर सीट आई एम सेइंग। देखो कितना शरारती बच्चा है ये हमारा, टिक जाओ, टिक के बैठो। जो हे बडी, हाउ इज इट गोइंग? प्रीटी गुड। डू यू नीड एनीथिंग, कॉफी, टी, वाटर? नो, आई एम ओके, थैंक यू। सो आर यू डन विद 3 कैमरास? एक्चुअली 3 अप, या दिस वन विल बी द 3rd वन। ओके ग्रेट, या सो गाइस, आपको भी अगर कैमरा इंस्टॉल कराने हो ना, ये ध्यान रखना कि हमेशा किसी प्रोफेशनल से ही कराना। बोल्टन वाले घर में ना मैंने सोचा था एक बार कैमरा लगाने का, एंड आई थॉट कि वायरलेस जो कैमराज होते हैं ना वो लगा देता हूँ, जिसमें वायरिंग का कोई झंझट नहीं है। ये वाले कैमरा जो हमारे लग रहे हैं ये वायरिंग वाले लग रहे हैं। अब वायर्ड कैमराज में क्या होता है कि बैटरी का कोई झंझट नहीं होता, बैटरी लो है या हाई है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वायरलेस कैमरा में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कभी बैटरी लो होगी ना आपका कैमरा ठुस, तो मतलब फिर वो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करेगा।
तो मैंने इसीलिए सोचा था कि वायर्ड ही लगवाऊंगा, और वायर्ड लगवाने के लिए यू डेफिनेटली नीड अ प्रोफेशनल. तो दिस गाय एंजेलो, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड. ये एक्चुअल में हम बोल्टन में जब रहते थे ना, तो हमारा नेबर था, इसके पास ना मिलिट्री ग्रेड के कैमराज होते हैं. एज पर हिम दोज आर बेटर देन द कैमराज दैट वी गेट फ्रॉम कॉस्को. और एक और चीज़ भी है कि कॉस्को से अगर आप कैमराज ला रहे हो, उनकी अगर वारंटी चलो होती भी है, रिटर्न हो भी जाते हैं, बट अगर कुछ प्रॉब्लम होगी आपको करना है ना वो सब कुछ, आपको उसको उतारना पड़ेगा, फिर वहाँ पैक करके वापस लेके जाना पड़ेगा, नया कैमरा लेकर आओगे, इंस्टॉल करोगे. इनसे एक बार के लिए जब मैंने पैकेज ले लिया, अब अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है, इट हैज़ 10 ईयर्स वारंटी. यही अपना किसी टेक्नीशियन को भेजेंगे, वो आएंगे, वही उतारेंगे और उसी टाइम दूसरा कैमरा लेकर आएंगे, साथ ही साथ इंस्टॉल करके चले जाएंगे. तो छम 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 रेन हो रही है आज. एक दिन स्नो होती है, अगले दिन रेन हो जाती है. आज शिल्पा, मैं और एमी, हम तीनों घर से ही काम कर रहे हैं. एमी भी घर से काम कर रही है, अपना होमवर्क कर रही है मतलब वो. और क्यों घर से काम कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें जाना था अपना पासपोर्ट उठाने के लिए. पहले प्लान था कि हम तीनों जाएंगे, शिल्पा मैं और एमी तीनों जाएंगे, बट अभी शिल्पा का हो गया प्लान चेंज, आलसी है बहुत बड़ी. तो उसने मुझे ऑथोराइजेशन दे दिया, उसने बोला कि आप जाओ हमारा पासपोर्ट उठा लाना, तो मैं अकेले जा रहा हूँ पासपोर्ट उठाने के लिए. ये देखो एमी अपने इस बिग वाले टेडी बेयर के लिए भी ड्रेस लेकर आ गई है. कैसा लग रहा है ये टेडी बेयर आपको? हाँ भाई, ये अमित का नाइट सूट था जो अमित ने कभी जिंदगी में एक बार भी नहीं पहना. तो ये नाइट सूट उठाकर हमने टेडी बेयर को पहना दिया और एमी को बोला कि हम तेरे लिए लेकर आए हैं सरप्राइज. देखो कैसे पता चला पापा का था. तो लास्ट टाइम आपको ना बैक साइड से एंट्री कराई थी, सुबह इतनी जल्दी हम पहुंचे थे लाइन में लगने के लिए कि उस टाइम तक मॉल का मेन एंट्रेंस खुला ही नहीं था. आज आपको मेन एंट्रेंस लेके जाता हूँ. आपको बताया था कि बहुत छोटा सा मॉल है, बट सर्विस कैनेडा है इसके अंदर यार, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉल है. विडबी वाले, ओशवा वाले, तो सारे पासपोर्ट यहीं से कलेक्ट करते हैं. मेरे आगे दो लोग हैं जो पासपोर्ट पिकअप करने आए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि बाहर वेट करो एंड दे विल कॉल मी. हमें लगा एमी सुपर हैप्पी हो जाएगी, पर एमी इसको देखकर कहती है ही इज लुकिंग बट सिली. मेरे को तो बड़ा क्यूट लग रहा है. गॉट द पासपोर्ट गाइस, नाउ आई कैन से दैट आई एम अ कैनेडियन. दो वैसे सच बताऊं तो दिल से तो अभी भी मैं इंडियन ही हूँ और हमेशा इंडियन ही रहूँगा, बट हाँ ये फीलिंग भी बहुत अच्छी है हाथ में कैनेडियन पासपोर्ट पकड़ने की. ऐसे क्या फर्क है, देखो यार ये भी ब्लू कलर का है, इंडिया का पासपोर्ट भी ऐसे ही होता है ब्लू कलर का. Guys, so we are here at sports check and over here I'm checking for my dad's shoes and then we're gonna go to the kids section way over there. No, we are not going to kids section. Why? You have already bought your shoes. Now it's my turn. But wait, but look at this, the kids section at least. Oh yeah, we will go and see. मेरे शूज की शॉपिंग रह गई थी तो मैं आया हूँ स्पोर्ट चेक में अपने शूज देखने के लिए. इट्स अ स्पेशलाइज्ड स्टोर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स. तो यहाँ पर वैसे मुझे चाहिए थे कंफर्टेबल शूज़, और मुझे लगता है कि इससे अच्छी जगह ना हो ही नहीं सकती स्पोर्ट्स शूज़ लेने के लिए या रनिंग शूज़ लेने के लिए या फिर कंफर्टेबल शूज़ लेने के लिए. और इनके पास वैरायटी बहुत होती है, तो देखता हूँ यहाँ पर मेरे लिए क्या मिलता है. मुझे ना वैसे एक ये पेयर पसंद आ रहा है, मतलब ये स्पोर्टी भी है और फॉर्मल, हल्की सी फॉर्मल लुक में भी है, पूमा का है. एंड इसमें ना अभी ऑफर भी चल रहा है. ये शू था 129 का, मतलब 130 का था ये, और अभी 90 का मिल रहा है. तो ये मैंने एक शॉर्टलिस्ट किया है, बाकी अभी और देखते हैं. पापा, do you want these kind of shoes? It's even comfy and bumpy. No, this is for mama. This is not for me. But why are those for mama? These are girls' shoes. But why are they girls' shoes? How? These are pink color. It does not matter. I know it doesn't matter. बट पापा को अच्छे नहीं लगेंगे ना ऐसे पहने हुए. मम्मा को ज्यादा अच्छे लगेंगे. मम्मा के लिए ले लो ये. मम्मा ने शूज लिया? मम्मा ने अभी नहीं लिया. पापा, wait, I want to take this off one. Oh, it feels weird. और दूसरे मुझे अच्छे लग रहे हैं ये वाले शूज, न्यू बैलेंस के. दो दीज आर नॉट रनिंग शूज, पर यार इनकी लुक बड़ी प्यारी लग रही है यार. मुझे ना व्हाइट कलर और ब्लैक कलर वैसे ही बड़ा क्रेज है उनका. देखते हैं, चलो इसको भी शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं. आप देखो यार, कोई इनमें से आपको अच्छे लग रहे हैं तो बताओ. मेरे घर के पास ही है स्टोर, अगर आज कुछ और ले भी लिया और बाद में लगा कि नहीं दूसरे लेने चाहिए थे, तो आके चेंज भी आराम से करा सकता हूँ. ये कैसे लग रहे हैं यार?
अच्छे लग रहे हैं यार, ये भी अच्छे लग रहे हैं। बहुत महंगे यार, $200 के ना, ये नहीं लेने भाई। ये ना क्लियरेंस में लगा हुआ है 140 का, मतलब ये 200 का था 139 का लगा हुआ, और इतना लाइट वेट है ना, मतलब उठा के ऐसे लग रहा है कुछ उठाया नहीं हो, कुछ वेट है ही नहीं कुछ इसका। बट ये ना सारा जो है ये फैब्रिक है, तो मुझे ना ऐसा लेना नहीं है। ठीक है, 179 का सेम, हाँ ये जो 199 का था ये डिफरेंट कलर में 179 का मिल रहा है। ये बताओ गाइस, ये भी बहुत लाइट वेट शूज़ है, $93 का है नाइकी का, बहुत ही लाइट है ये भी, बहुत ही लाइट। ये 135 का था, 93 में मिल रहा है, और बहुत ही लाइट वेट है। ये भी सोच सकते हैं यार लेने की। ले लूँ मुझे ना तीन पेयर पसंद आए, तीनों में से किसी में भी साइज़ नहीं पड़ा था। मैंने उनको बोला चेक करने को, क्योंकि कल हमें जाना है यॉर्कडेल मॉल, तो मैंने कहा यार चेक कर लो अगर वहाँ पे मिल जाएगा तो। तो ही सेड कि हम 50 किलोमीटर्स की रेंज में ही देख सकते हैं, और यॉर्कडेल मॉल उससे बाहर है, सो वी कैन नॉट चेक एंड कन्फर्म। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं आया हूँ विनर्स पे, विनर्स पे भी एक नज़र मार लेते हैं, कुछ मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा तो कल यॉर्कडेल मॉल जाना ही है, फिर वहाँ देखेंगे। सो गाइज, विनर्स पे मुझे मेरे शूज़ मिल गए हैं। एक ये पेयर पसंद आया है, ये नॉटिका का है, और एक ये पेयर पसंद आया, दिस इज़ फ्रॉम DC। ये दोनों ही मुझे अच्छे लग रहे हैं, और क्योंकि वाइट मेरा फेवरेट कलर है तो आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस। वैसे पहने हुए ना ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे उससे, तो ये ले लेते हैं। अब मेरे शूज़ भी डन हो गए, और उसके अलावा मैंने एक ये ट्राउज़र लिया DKNY का, एक ये स्वेट शर्ट लिया है, और एक ये एडिडास का जॉगर लिया है। एमी आपने क्या लिया है? एमी ने हमेशा की तरह अपने कलर्स उठा लिए हैं, इसको और कुछ नहीं चाहिए होता। वैसे अभी हम डॉलरामा जा रहे हैं इसके बाद, एंड यू आर गोना गेट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर, तो इसको यहाँ पे रख दो, डॉलरामा से आपको ले देंगे। ठीक है, यस यू कैन गेट दिस फ्रॉम डॉलरामा, इट सेल्स देयर एज वेल। क्या हुआ एमी को ना, जब रोना आ रहा हो या फिर इसको कई बार गुस्सा आ रहा होता है ना, तो ऐसे लंबी लंबी सांस लेके अपने आप को रिलैक्स कर लेती है। शी नोज हाउ टू टैकल दिस। कैसे करते हैं? टेक अ बिग ब्रेथ इन, टेक अ बिग ब्रेथ आउट, एंड यू आर गुड, राइट? इट आल्सो मेक्स मी स्लीपी। सो दिस इज हर टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। गाइस, हम लोग यहाँ पर आए थे यॉर्कडेल मॉल में, और पता है मैं सो ही उठी आई थी, ये सोच रही क्या है यार, कोई नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, बस दो चीज़ें पिक करनी है, पिक करके आ जाएंगे। और यॉर्कडेल मॉल इतना बड़ा मॉल है, और यहाँ हमें कौन मिल गए? विभूति अविनाश मिल गए हमें मॉल में, देखो। और अभी एक सब्सक्राइबर भी मिले थे, दो सब्सक्राइबर्स मिले थे, उनके साथ फोटो वोटो भी कराई हम लोगों ने, तो वो तो चले गए हैं। तो अब एक बात है, अभी आगे से मैं सोई उठी मॉल में नहीं आया करूँगी, कपड़े वपड़े चेंज करके मुँह हाथ धो के आया करूँगी। एमी फर्स्ट टाइम ट्राई करेगी टैको बेल, है ना? ये लो, ये होता है टैको बेल। ये व्रत वाले हैं, ये व्रत वाले चिप्स हैं, ये होता है टैको बेल। ओके, ये बिना व्रत, अच्छा ये टैको बेल होता है। टैको बेल भी दिए उन्होंने कि यही सब दिया है? टैको बेल, शुक्र कर को। वैसे तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि मेरी शॉपिंग डन हो गई है, लेकिन लड़कियों की शॉपिंग जब तक फ्लाइट में बैठ नहीं जाते तब तक डन होती है। हम लोग शायद एयरपोर्ट में कुछ खरीद लेंगे। तो मैं यॉर्कडेल मॉल आई थी, क्विक सा, इतना क्विक सा आई थी, कपड़े चेंज करके भी नहीं आई थी। एक तो मैंने माइकल कोर्स से अपनी एक जैकेट पिक करनी थी यहाँ पर यॉर्कडेल मॉल से, तो वो जैकेट पिक करी है, तो फिर लगे हाथ ज़ारा से कुछ कपड़े खरीद लिए मैंने भी, और इस बार अमित ने भी अपने लिए कुछ लिया है। मतलब आप लोग यार अमित को इतना वो कर दो यार, शिल्पा अमित के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार क्या, देखो मैंने अपने तीन ड्रेसेस लिए हैं, अमित की एक ली है मैंने ज़ारा से। तो अब हम जा रहे हैं बॉर्नल्स, क्योंकि वहाँ से भी कुछ क्विक सी चीज़ें पिक करनी है। आओ बेटा, रात के बज रहे हैं 11:45, 10:49 हो रहा है एग्जैक्टली, और अब हम घर जा रहे हैं। रास्ते में बस एक बार रॉयल पान रुकेंगे, बिकरिंग में भी खाना बाहर खाया है और मन कर रहा है बहुत ज़्यादा पान खाने का, तो हमने GPS से पहले रॉयल पान लगाया। बिकरिंग वाला रॉयल पान 1 बजे तक खुला हुआ है रात को, और हमें लग रहा था क्या पता बंद हो जाए, तो हमने चेक कर लिया था कि स्कारब्रो वाला रॉयल पान 3 बजे तक खुला हुआ है, तो पान तो मिल जाना था। अब पान खाएंगे और फिर घर निकलेंगे। पता है सुबह कितने बजे के निकले हुए हम लोग शॉपिंग करने के लिए? मेरे ख्याल से 12:30 बजे हम लोग निकल गए थे, और घर पहुंचेंगे हम लोग 11:30 बजे। इतना थक चुके हैं चल चल के, यॉर्कडेल मॉल गए थे,
फिर गए थे हम लोग वॉन मिल्स, फिर हम लोग बाहर गए थे खाना खाने के लिए, अब जाएंगे रॉयल पान, फिर जाएंगे घर, फिर वीडियो एडिट करेंगे और फिर वीडियो डालेंगे। वैसे अभी तो मैं सोच रहे थे कि यार आज वीडियो नहीं डालते, बहुत थक चुके हैं, सोते हैं घर जाके। फिर मुझे लगा आज ही डालेंगे तो कल जाएगी, फिर उसके बाद एक दिन का ब्रेक होगा ही और अगले दिन फिर हमने ट्रैवल करना है, हमारी फ्लाइट है ट्यूसडे नाइट की, तो फिर वीडियो नहीं जाएगी। मेरा ये बड़ा खराब हो जाएगा भाई, इधर उधर हो जाएगा, तो वीडियो डाल ही डाली है। हाँ, और एमी को भी बहुत काम है, एमी ने हमारी सारी पैकिंग करनी है। एमी ने भी कहा था आप सो जाना, मैं आपकी पैकिंग कर लूंगी। चलो जी, पहुंच गए हम लोग रॉयल पान, फटाफट से पान खाया जाए अब। ये क्या, ये बच्चा तो कह रहा था कि इसकी कैप उड़ गई है हवा में, अभी कहाँ से आ गई कैप? यू गॉट अ न्यू वन? हाँ जी, बताओ जी क्या खाओगे? पनीर बर्गर, पनीर काठी रोल, कुल्फी, फलूदा, चाट पापड़ी? कुछ भी जगह नहीं है, सिर्फ पान खाना है मुझे और फलूदा खाना है। फलूदा खा लेते हैं, फलूदा। किसने कभी जिंदगी में फलूदा देखा भी नहीं हुआ है, खाना तो बहुत दूर की बात है भाई। आज का इनका स्टोर स्पेशल है खोया रबड़ी, ये है एम्प्लॉय फेवरेट। नहीं, खोया रबड़ी तो स्टोर स्पेशल है, एम्प्लॉय फेवरेट है मोमोज, राज कचौरी और पराठा। और रॉयल पान स्पेशल है डोसा, चना भटूरा, पाव भाजी, बॉम्बे ग्रिल, पनीर काठी रोल एंड रॉयल फलूदा। रॉयल फलूदा खाते हैं। ये देखो इंडिया की तिल्ले वाली कुल्फियाँ अलग अलग फ्लेवर में पड़ी हुई हैं यहाँ पे। और ये है वो खोया रबड़ी जिसकी बात हो रही है कि ये स्टोर स्पेशल है। हमारे घर में कुल्हड़ तो है ही, यहाँ से कप ले जाते हैं और कुल्हड़ में डालकर ऐसे खाएंगे ऊपर से पिस्ता बुरक के। ऐसे तो वेट लूज ही होता था भाई, पता जब आप वेट लूज करने पर आते हो ना, ऐसी ऐसी चीज़ों के नाम लेकर भी वेट बढ़ जाता है। अब मैंने बोल दिया ना खोए रबड़ी, आधा किलो वजन बढ़ गया। हमें जब हम कनाडा आए थे तो आपने कभी सोचा था रात को 11 बजे रेस्टोरेंट में बैठे होंगे और इतनी भीड़ होगी रेस्टोरेंट में? यार यहाँ तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, पिकरिंग वगैरह में, फ्रैम्पटन में तो फिर भी मुझे लगता है कि हाँ खुले रहते हैं लेट तक, यहाँ में भी वही हाल है। कितनी भीड़ है यार यहाँ पे भी। ये देखो भाई पान तो इनके ऐसे बने पड़े होते हैं, बड़े छोटे छोटे से पान है, दिखाती हूँ आपको। पान खा नहीं सकते तो क्या हुआ, शक्ल तो दर्शन तो कर सकते हो ना पान के, कनाडा के पान। ये बस अब खा नहीं दो तुम, छोड़ो ना। एक बार ये खाओ ना, ये देखो ये देखो ये देखो मेरी क्या है। ओह माय गॉड, ये देखो यार, इंडिया में अगर खाते ना तो ये कुल्फी जो थी वो इस कलर की होती है ना। टेस्ट वही वाला है। हाँ भाई,